नमस्कार, स्वागत है आप सबका बड़ौदा करण में। जी हाँ, सियासी गलियारा और पॉलिटिकल पंचायत, इन दोनों को आज हमने मिला दिया है और इन दोनों ही शो को मिलाकर आज हम बड़ौदा का रन इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ घंटे बचे हैं जब प्रत्याशियों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनता टीवी तमाम बड़ौदा के मतदाताओं से अपील करता है कि वो कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया चलनी है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पुराने जो मतदान का रेशियो रहा है उसको तोड़ें, उसको ध्वस्त कर दें और एक नया रिकॉर्ड कायम करें। और जिस भी प्रत्याशी को आप चाहते हैं कि आप उसे चंडीगढ़ भेजना चाहते हैं, उस प्रत्याशी के पक्ष में आप दिल खोलकर वोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कीजिए, ताकि एक नया कीर्तिमान बड़ौदा रच सके। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ौदा के रन की, लेकिन सिर्फ बड़ौदा के रन में आज बात बड़ौदा की नहीं होगी, आज बात हरियाणा में कुछ ऐसे ज्वलंत और जीवंत मसले भी उभर कर सामने आ चुके हैं जिन पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन दो खास मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत। और संदीप गोयल जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ौदा के रन में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जा चुकी हैं ऑलमोस्ट, और कल इसका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, 10 तारीख को परिणाम निकलने वाले हैं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, वादे दावे तमाम चीज़ें हो चुकी, वो दौर गुजर चुका है, चुनावी शोर खत्म हो गया है, लेकिन प्रदेश में इस लव जिहाद का बड़ा शोर है सर। 24 दिन हो गए इस बच्चे को अपहरण इसका हुए, जो परिवार आरोप लगा रहा है, कहाँ है सर प्रदेश, कहाँ है प्रदेश के पुलिस? जिहाद, और ये विषय ये नहीं कि अकेला हरियाणा के सामने या देश के सामने, पूरे विश्व में आज इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। आप भी जानते हैं जिस तरह से फ्रांस से जो खबरें आ रही हैं, आपने भी देखा ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जिस तरह से सरकार ने इसके ऊपर बात की है, और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों के अंदर ये जो विषय है या ये जो समस्या है ये सामने आई है। और ये भी नहीं कह सकते साकेत कि ये समस्या कोई एक साल पहले या दो साल पहले आई है, लगभग पिछले 10-12 साल से अगर देखेंगे इस तरह की जो केसेस हैं वो हमारे सामने गाहे बगाहे आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सरकार ने इस विषय की सीरियसनेस को, इस विषय की संजीदगी को समझते हुए इसके ऊपर कानून बनाने की बात की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बात की है, उत्तर प्रदेश में बात हुई है, मध्य प्रदेश में बात हुई है, और ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर सरकार को भी और सरकार के साथ साथ आम बन जाने से थम जाएगा मामला। कानून तो बलात्कार के खिलाफ भी है, कानून तो हत्या के खिलाफ भी है। जी, नहीं नहीं, तो साके दो चीजें हैं। आज के तारीख में अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या कानून की बात करें, लव जिहाद का जो शब्द है, ये शब्द की व्याख्या कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि एक नई चीज है, इससे पहले ये शब्द ही नहीं था। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता को देखते हुए और अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह के वाक्यात को जन्म देने की कोशिश की, उससे ये हमारे सामने विषाया तो स्वाभाविक है। अगर कोई इस तरह का कोई अपराध हो रहा है तो उस अपराध के ऊपर कानून बने और जिस कानून के तहत ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कानून के दिन बीत गए हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस तो अब एक्शन में आई, जब मीडिया ने इस खबर को अब उठाना शुरू किया है तो पुलिस हरकत में आ रही है। क्या आप इसको पुलिस की विफलता नहीं मानते? देखिए साकेत, ऐसा है, इस विषय पे पुलिस विभाग से भी बात हुई है, 10 तारीख का मेरे ख्याल वाकया है जैसा कि जानकारी आई है, और परिवार ने 11 तारीख को इसकी कंप्लेंट पुलिस में लिखित रूप में करवाई है, जिस तरह की जानकारी है। अब पुलिस लगातार जहां जहां से जिस तरह की जानकारी मिल रही है उस हिसाब से पुलिस रेड कर रही है, छापामारी कर रही है, और आप मान के चले जिस तरह से बल्लभगढ़ के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 तारीख को वो लोग गए हैं, 11 तारीख को पुलिस के सामने रिपोर्ट आती है। 23 से 24 दिन को आप थोड़ा वक्त कहते हैं? नहीं, मैं साकेत वही कह रहा हूँ कि जो वो एक दिन का गैप बीच में आ गया कि रिपोर्ट डिले हुआ जिस वजह से वो लोग निकल गए, लेकिन ये मान के चलिए कि पुलिस उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, बहुत जगह पे छापेमारी हो रही है, जहां जहां पे भी पुलिस को जो जानकारी मिल रही है पुलिस वहां पे रेड कर रही है, और बहुत जल्दी आप मान के चलिए कि 2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। अत्रे जी, पीड़िता की माँ कह रही है कि 6 दिन तक इस आरोपी लड़के का मोबाइल एक्टिव था, तो 6 दिन में पुलिस ने क्यों नहीं ट्रैक किया इस लड़के को? मेरी हाँ नहीं, देखिए इस विषय पे भी मेरी बात हुई है, जो मोबाइल की ट्रेसिंग से जहां जहां होने की जानकारी मिल रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब तक पुलिस पहुंचती है अपराधी वहां से निकल चुका होता है,
लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, मान के चलिए 24 घंटे या 36 घंटे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा गिरफ्तार करने। संदीप गोयल जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं? कैसे पढ़ेंगी जब बचेंगी ही नहीं बेटियां? तो मुद्दा है महिलाओं के ऊपर अपराध। आज एक प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुख्य कारण इसका एक ये रहा है कि सरकार इस चीज के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, ना ही सीरियस है। उन्होंने देखिए 2016 के मुकाबले डाटा उठाइए, और 2018-19 के आसपास से डाटा उठाइए, महिलाओं के अपहरण के मामलों में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है साथी जी। और सरकार केवल ढिलाई बरत रही है, सरकार को चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के खिलाफ लेना चाहिए। और बात आई थी के लव जिहाद को लेकर, हालांकि मानते हैं कि आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट, रेस, ग्रीड या फिर रिलीजन को लेकर मना करता है, परंतु हमें ये भी छूट नहीं है कि हम बैरूपीय बनकर हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर उनको जोर जबरदस्ती हमारे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करें। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार भी इस प्रकार के कानून बनाए, हालांकि डिफाइन आज तक नहीं है लव जिहाद किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर IPC के अंदर, परंतु मौजूदा सरकार को उस चीज पर तो आप कार्रवाई करिए ही करिए। लेकिन आज तक जितने मुद्दे अपहरण के हुए हैं, क्या उनको लेकर सरकार कोई गंभीर रही है? अगर सरकार गंभीर रही होती तो प्रदेश के ऊपर बेटियों के खिलाफ जितने अपराध हुए उनमें कमी आज आने ही लाजमी थी, परंतु मुझे लगता है कि सरकार केवल और केवल एक ढकोसला सा कर रही है, सरकार एक ड्रामेबाजी सी कर रही है, मतलब गडियाले आंसू बहा रही है महिलाओं को लेकर, बल्कि संजीदा नहीं है सरकार। सरकार आप दूसरा ऐप को देखिए, वो बिल्कुल भी काम करती नहीं मिलेगी। आप महिला थाने देखिए, वहां की व्यवस्थाएं देखिए। आप जो बसों में सुरक्षा देने की बात करते थे महिलाओं को कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए, स्कूलों में जाने के लिए, वो सुविधाएं नहीं दे पाई। आपका जो एक और बड़ी ही गंभीर किस्म की बात है साकेत जी, जब निर्भया कांड देश के अंदर हुआ तो निर्भया कांड के नाम से एक निर्भया फंड देश के अंदर लाया गया था। उस 40 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार को दिए गए थे उसमें से मात्र 10 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई मौजूदा सरकार, खट्टर सरकार। खट्टर सरकार अगर 40 करोड़ में से 10 करोड़ खर्च दिए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कतई भी गंभीर नहीं है। उनके पास बजट है, पैसा है, लेकिन उसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की सोच और नीयत नहीं है। साकेत जी कुछ कहना चाहता हूँ, साकेत जी जवाब देना चाहूंगा। जी मैं अत्रे जी आ रहा हूँ, मैं आप एक बार एक लाइन में जवाब दे दूंगा अगर आप मुझे टाइम दे तो, एक लाइन में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है रमेश बामल जी, आता हूँ आपके पास, एक बार प्रवीण अत्रे जी का जवाब ले लूं। एक घंटे की आज डिबेट है, पूरा टाइम मिलेगा, सबको मिलेगा। देखिए साकेत, ऐसा है जिस तरह से संदीप जी ने 2016-2017 का जिक्र किया, एक तो मेरी थोड़ी सी आपत्ति ये है कि जब हम किसी डाटा का विश्लेषण करते हैं और स्टैटिस्टिक्स भी यही कहते हैं कि हमें पूरे डाटा का विश्लेषण करना चाहिए, हमें पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, आपको DGP हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, और जो NCRB का डाटा है वो भी याद होगा, हरियाणा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है वो भी। महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर जो अपराधी हैं, 93% अपराधियों को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही, ये डाटा है, ये रिकॉर्ड। दूसरी बात, महिलाओं के प्रति अपराध की जहां तक बात करें, महिलाओं के प्रति अपराध में देखिए, जब हम डाटे का विश्लेषण करेंगे तो मुझे अपना तर्क समझाने के लिए पीछे तक जाना पड़ेगा, और मैं पीछे तक जाऊंगा, बहुत पीछे भी नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा हुड्डा साहब के 10 साल की कांग्रेस सरकार की, फिर मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार की। अगर हम NCRB के डाटा का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, 174% की वृद्धि थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम जब NCRB के डाटा का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि मात्र 27% की वृद्धि, 27% ओनली। अब 174% के ऊपर हमें चिंता करनी चाहिए या हमारे जो काम है उसकी वजह से जब 27% की वृद्धि आ जाती है हमें उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। दूसरा, अभी यहाँ पे एक जिक्र किया गया महिला थानों का। देखिए मेरा सवाल तो पहले की सरकारों से भी है कि महिलाओं के प्रति अपराध अगर हो रहा था तो आपने इस बात की चिंता क्यों नहीं की? क्यों ने आपने चिंता नहीं की कि हरियाणा पुलिस के अंदर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए? क्यों ने आपने चिंता की कि महिला पुलिस थाने अलग से बनने चाहिए? आपने इस बारे में कोई काम नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार जब आती है सबसे पहली चिंता इस बात की होती है कि हरियाणा पुलिस बल के अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाओ, जो मात्र 5% थी हमने बढ़ा के उसको 15% कर दिया। अब हमारा लक्ष्य महिला थाने खोलने का उद्देश्य भी यही है कि महिला अपने प्रति अगर कोई अपराध हुआ
हुआ है तो महिला थाने में जाके उसकी रिपोर्ट कर सके, अपना न्याय ले सके। और उन थानों की जो जो ये कार्य हुआ उसकी परिणति ये है कि 93% की गिरफ्तार जो है अपराधी पकड़े जा रहे हैं, ये उससे आपके सामने डाटा है। ठीक है, तो कम से कम जब हम आलोचना करते हैं तो पूरे डाटे को एक काउंटर में रमेश बावल जी से ले लूं, लेकिन आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि मोर देन 90% अपराधी पकड़े गए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप उसका कन्विक्शन रेट भी बता पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बताइए ना, एक बार मुझे बता दीजिए कन्विक्शन रेट हरियाणा में रेप का कन्विक्शन रेट क्या है साहब? बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, देखिए 13% कन्विक्शन रेट हरियाणा में था 2014 तक, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। आज हरियाणा के अंदर कन्विक्शन रेट 23% है, 13% से हम 23% पे आ गए हैं। वो इस वजह से आए हैं कि पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, पुलिस की जांच का नतीजा निकलना शुरू हुआ। आप अगर कंपेयर ही करते रह जाएंगे पिछली सरकारों से, तो मैं अपनी बात कैसे समझाऊंगा? छह साल में अगर आप अभी भी कंपेयर करने की स्थिति में है प्रवीण अत्रेजी, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। कंपेयर हमें इसलिए करना पड़ता है साकेत, जब अगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो मुझे अपनी बात को आधार देना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि जो हमने कोशिशें की उनका नतीजा क्या निकला। अपने कार्यकाल 2015 से लेकर के बताइए साहब कि हर साल आपने कनेक्शन रेट में किस तरीके से हिसाबा किया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने और ये भी बताइए कि अभी भी 23% ही क्यों है कन्विक्शन रेट। संकेत मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, जब आप अपने चैनल की टीआरपी के बारे में बताते हैं तो आप तुलना करते हैं ना कि सबसे तेज किससे तेज जो दूसरे चैनल है, ये आप भी करते हैं, क्योंकि आपको अपने जो आप काम कर रहे हैं उसके क्या नतीजे निकले उसके लिए कहीं ना कहीं तुलना करनी पड़ेगी, वरना कैसे पता लगेगा? हम अपने पिछले हफ्ते की टीआरपी को आंकते हैं। नहीं, वो तो आपकी कैलकुलेशन होगी होगी, जब आप डाटा का विश्लेषण करेंगे तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन सबसे तेज क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि आप दूसरों से तेज है इसलिए आप सबसे तेज बोलते हैं, और ये आपको करना पड़ेगा। भाई मैं जब बताऊंगा कि मैंने जो कोशिशें की उसका नतीजा क्या निकला वो तभी बता पाऊंगा। लेकिन रेट पे मैं लौटूंगा एक बार फिर से। बामल जी आपका काउंटर। सुमन जी, ये जो लड़की का किडनैपिंग का मामला है ये 20 दिन पुराना है। 23 दिन हो गए साहब। हाँ जी, 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 16 ईयर ओल्ड गर्ल, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि ये जब मीडिया ने इसको ज्यादा हाईलाइट किया है और जब लोग परेशान होते हैं और आप लोग ये मुद्दे उठाते हैं तब जाके थोड़ी सी गवर्नमेंट सक्रिय होती है। अभी देखिए, आज एक जींद का मुद्दा है, 8 साल की लड़की का रेप और मर्डर, एक उसके बाद ये आपके सामने है 20 दिनों से लड़की गायब है। मुद्दा ये नहीं है लव जिहाद का, मुद्दा ये है कि एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया गया और 20 दिन से लापता है। तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी की जो कानून व्यवस्था है वो दर्शाती है कि इन्होंने क्या किया। दूसरा ये कहते हैं कि महिला थाने है जो इनने ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, ये हमारे ऊपर अपोजिशन पे सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार इनकी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 6 साल में जो कांग्रेस ने जो महिला थाने बनाए थे तो कांग्रेस की ही पॉलिसी थी, और 45% इंक्रीज हुई है जो अपराध हुए हैं महिलाओं के साथ। ठीक है जी, अब जो इनका जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी हम इससे कानून लेके आ रहे हैं, तो प्रवीण अत्रे जी बताएं जरा जनता को कि वो कौन सा कानून लेके आ रहे हैं, उसका पर्पज क्या कानून का, और 6 साल तक जो हत्याएं रेप और मर्डर हुए हैं ये सबके सामने है, ये मेरी कहने की जरूरत नहीं। रमेश बामल जी एक चीज मुझे बताइए, क्या लव जिहाद पर अगर कोई कानून लेकर के सरकार आती है क्या कांग्रेस उस लव जिहाद कानून के साथ रहेगी या उसका अपोज करेगी? देखो सुमन जी, बात लव जिहाद की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कानून लेके आती है जिससे नहीं, नहीं, बात लव जिहाद की क्यों नहीं है, लव जिहाद की बात क्यों नहीं है? सुमन जी इसी पे आता हूँ आपकी बात का। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन सही नहीं है। बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ और इसको सपोर्ट। तब जब अदालत में लव जिहाद एक मसला है तो आपके लिए लव जिहाद एक मसला क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। किस चीज को? लव जिहाद को? जनता पार्टी यदि इस तरह का कानून लेके आती है और इस तरह के जो अत्याचारों में यदि इसका ये कानून लेके आती है, रोकथाम होती है, तो हम वेलकम करते हैं उसका। लेकिन
जो 6 साल से नहीं, नहीं रमेश भामल जी, एक चीज और स्पष्ट कीजिए, अगर विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लेकर आती है, क्या कांग्रेस बायकॉट कर जाएगी, क्या कांग्रेस अपोज करेगी, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? ये कोई ऐसा अध्यादेश लेके आते हैं जो देश हित में है, जो लड़कियों की जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, यदि उसमें रोकथाम मिलती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे अध्यादेशों का वेलकम करने की तैयार है। स्पष्ट तौर पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, कैसा होगा? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, आप जो कानून है इस तरह के आज तक देरी क्यों है, आप तक क्यों नहीं लेके आए ये कानून? तो मैं भी अभी कहता हूँ कि आप कानून तो लेके आए, हम तो चाहते हैं कि आप क्या कानून लेके आ रहे, कानून तो लेके आए, ये तो एक हवा में बात है, कानून लेके आएंगे तभी बताएंगे कि क्या कानून लेके आए हैं। और मैं कहता हूँ कि हम सपोर्ट करेंगे यदि ऐसी कानून लेके आते हैं और इसमें जिसमें महिलाओं की सुरक्षा होती है, अपराध पे लगाम लगती है। नहीं नहीं, लव जिहाद पर अगर ये कोई कानून लेकर आते हैं जिसमें ये होता है कि लव जिहाद के अगर इस तरीके से मामले होंगे तो उसमें 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की सजा होगी या और कठोरतम सजा होगी, तो इससे महिलाओं की तो सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है ही, ये लव जिहाद, या आपको लगता है कि लव जिहाद से महिलाओं का सुरक्षा वाला मसला नहीं है? अपहरण अलग चीज है, लव जिहाद अलग चीज है, और जो रेवाड़ी वाला परिवार लव जिहाद कह रहा है वो लव जिहाद नहीं है, वो अपहरण है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा अत्याचार है, एक लड़की को किडनैप किया गया है, और जो इस तरह की बातें हैं कि ये एक लव जिहाद है, इससे देश में जो कानून व्यवस्था और ज्यादा चरमरा जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो उसने एक्ट किया कोई भी कैसे चरमरा जाएगी? यदि आप लव जिहाद और यदि धर्म की बात करते हैं तो नेचुरली ये देश की कानून व्यवस्था नहीं चरमराएगी। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, तो ये जो रेवाड़ी की पीड़िता है, ये नाबालिग बच्ची, इसके माता पिता जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उनको वो सही नहीं कह रहे हैं, वो लव जिहाद का अगर शब्द का नाम ले रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अगर बल्लभगढ़ में निकिता के पिता ये कह देते हैं कि लव जिहाद पर अगर पहले कानून बन जाता तो निकिता नहीं मरती, तो वो गलत कह रहे हैं। नहीं सुमन जी, मैं यहाँ सवाल गलत और सही का नहीं है, ये कानून का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनको अरेस्ट करेगी, मुलजिम को बिहाइंड से बाहर जाना चाहिए, मुलजिम को अरेस्ट आगे जो कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, और ये जो कानून का काम है कि ये लव जिहाद है या उसने किडनैप किया है या उसका कोई रीजन है, ये तो कानून का काम ठीक है। अभी भी ना मुझे रमेश बामल जी आप क्लियर लग रहे हैं, ना कांग्रेस का पक्ष क्लियर लग रहा है। मैं एक बार संदीप गोयल जी के पास चलता हूँ, गोयल साहब, उसके अत्रे जी आपके पास आता हूँ। गोयल साहब आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए साकेत जी, भाजपा के प्रवक्ता ने जिस प्रकार की आंकड़ों की जुमला जो आपके आगे फेंका, शायद इन्होंने कांग्रेस के समय से और इनके समय में 174% बढ़ोतरी का तो ख्याल आ गया, लेकिन इन्हें खुद याद नहीं कि 2004 में जो पोजीशन जो क्राइम अगेंस्ट वुमन थी और आज की जो पोजीशन है उसमें 400% बढ़ोतरी हो चुकी। अगर ये इस चीज को स्वीकार करें तो इन लोगों को महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए एक बड़ा ही एक सिस्टमेटिक तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आप एक और मैं को खुद डिबेट के ऊपर बोलता हूँ कि जिस प्रकार की रिकमेंडेशन भारत की सिस्टम ने किया है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इस प्रकार तरीके से आपको प्रक्रिया अडॉप्ट करके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो रिपोर्ट्स और जो रिकमेंडेशन भारत सरकार देती रही आज तक वो हरियाणा सरकार उसको ना तो अडॉप्ट कर पाई प्रॉपर तरीके से, ना उसको पूर्ण रूप से लागू कर पाई। जो बात रमेश बामल जी ने कहा वो शायद कांग्रेस पार्टी की अपनी एक मजबूरी हो सकती है लव जिहाद कानून के ऊपर खुला बोलने में, लेकिन मैं इसका एक और भी उदाहरण देता हूँ। जब भारत सरकार पराली जलाने के ऊपर रातों रात एक अध्यादेश ला सकती है तो लव जिहाद को लाने में इनको इतने साल क्यों लगे? इनकी नीयत साफ नहीं है, ये इसको केवल एक मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं। अगर मैं इस चीज का मैं हमारी पार्टी की तरफ से शपथ कहता हूँ, अगर
कानून की नजर में अगर आप किसी धर्म उन्माद को फैलाते हैं तो इस प्रकार के कानूनों का हम विरोध करेंगे, परंतु अगर धर्म का सहारा लेकर कुछ लोग बहरूपीय बनकर हमारे देश की बेटियों को फुला फुसलाकर उनके साथ शादी करके उनका धर्म परिवर्तन, संदीप मोहित जो सवाल में कांग्रेस से पूछ रहा था वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वही सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं संदीप गोयल जी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल लव जिहाद के अगेंस्ट अगर कोई कानून भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन सरकार लेकर आती है तो इनेलो उसके साथ है? साकेत जी स्पष्ट तौर पर हम साथ हैं कि अगर कोई बहरूपिया बनकर अपनी अपना अगर उसको प्यार करने की उसको इजहार करने की है तो वो अपनी एक नेचुरल तरीके से अपनी आइडेंटिटी रखे, लोगों को बहला फुसलाना हमारी बच्चियों को बहलाओ फुसला है ना, नाम हिंदुओं का ना अडोप्ट करे, अगर इस प्रकार के तरीके अडोप्ट करके हमारे देश की बेटियों को बहला फुसला कर धर्म लव प्यार के जाल में फंसा कर फिर उनका धर्म परिवर्तन करने के नाम पर उनकी हत्याएं की जा रही कोशिश की जा रही है तो ऐसे अगर कोई कानून लाया जाता है जो उनको लगाम लगाने काम करेगा तो इस प्रकार के कानून का हम समर्थन करते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, बशर्ते वो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन ना हो, आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना हो, बाकी हम समर्थन करते हैं। और इनको रोका किसने? रातों रात अगर आप 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ ला सकते हैं, पराली जलाने के ऊपर 5 साल की किसानों की सजा का प्रावधान अध्यादेश ला सकते हैं तो लोग जिहाद पे कानून बनाकर अध्यादेश ले आएंगे। ठीक है संदीप जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बार प्रवीण अत्रे जी के पास चलते हैं। प्रवीण अत्रे जी मुझे एक चीज बताइए जी कि कानून की पहले से कोई कमी नहीं है, इस तरह के भी मामले आगे अगर वो नाम बदल करके धोखा दे रहा है तो धोखाधड़ी का भी मामला है और भी गंभीर धाराएं हैं जो इम्प्लीकेबल हो सकती हैं, अप्लाई उस पर हो सकती है। फिर मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अगर लव जिहाद पर कोई कानून लाते हैं आप लोग, क्या इतना बड़ा तोप तीर मार लेंगे, क्या इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? सर कानून तो पहले भी खाकी का डर है क्या? देखिए साकेत, हालांकि चर्चा के शुरू में मैंने बता दिया था कि लव जिहाद पे अलग से कानून की जरूरत क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलरली लव जिहाद शब्द जो है वो हमारी कानून में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये शब्द की इजाद ही पिछले 10-12 साल से हुई, इसलिए पर्टिकुलर लॉ की जरूरत है। दूसरी बात देखिए, 2-3 चीजें यहाँ विशेष तौर पर, मैं आपने कांग्रेस के मित्र से एक सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि लव जिहाद मुद्दा नहीं, आपने उनसे लव जिहाद कानून के समर्थन की बात कही तो वो उस पर स्पष्ट नहीं थे। हमें सोचना ये है कि जो राजनीतिक दल प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहा है, जो राजनीतिक दल देश में सबसे पुराना दल होने का दावा करता है, जो राजनीतिक दल देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल होने का दावा करता है, वो दल लव जिहाद पे स्पष्ट क्यों नहीं है? शायद इस वजह से क्योंकि जो बल्लभगढ़ का मामला अगर आप देखें तो इन्हीं की पार्टी के विधायक जो है उनका रिश्तेदार उस मामले में इन्वॉल्व है, ये शायद इस वजह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि इनकी अपनी विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में खड़ी है। आपको याद होगा हाथरस का मामला, हाथरस में राहुल गांधी प्रियंका गांधी चले जाते हैं लेकिन बलरामपुर में नहीं जाते, वही राहुल गांधी वही प्रियंका गांधी दिल्ली से 7 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ में नहीं जाते। आप समझिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, जिस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के अंदर केवल अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण किया हो, जिस पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्पष्ट में ये बयान देते हो कि देश के संसाधनों पे इनका हक है, उस पार्टी से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो पार्टी लव जिहाद जैसी इस घटिया सोच के खिलाफ खड़ी हो जाए? क्योंकि वो हो ही नहीं सकते, उनकी सोच राजनीतिक तुष्टीकरण की रही है, उन्होंने तो देश के संसाधनों पर इनका हक पहला बता रखा है, वो कैसे खड़े हो जाएंगे? लेकिन जरूरी है इस को रोकना, इसके ऊपर सख्त कानून बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात जो है यहाँ पे जिक्र कर रहे थे संदीप जी पेशे से वकील हैं और बेहतर जानते हैं कि कानून आता कैसे है, कानून बनता कैसे है, क्योंकि वकील होने के नाते ये हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आपको आलोचना करनी है। हरियाणा प्रदेश जब ये कानून बनाता है कि बलात्कार में 12 साल से छोटी बच्ची उम्र कैद का प्रावधान करता है, उस वक्त संदीप जी इनकी पार्टी ने ताली पीटी थी क्योंकि इनको भी लगा बहुत अच्छा कानून है, मुझे आज भी विधानसभा की वो डिबेट याद है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है संदीप जी को मुक्त कंठ से ये कहना चाहिए था कि लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून आना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे वोट आने आ जाती है, यहाँ पे भी राजनीति आने आ जाती है, क्योंकि आपको वोट बैंक दिखना शुरू हो जाता है, आपको नजर ही नहीं आता इस तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक अपराध दोनों अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों को रोकने के लिए। अरे तो बीच में ना बोला करो भाई, जब आप बोल रहे थे मैं लगातार सुन रहा था आप लोगों की बात। संदीप जी आप जब मैं आप बोल रहे थे सुन रहा था ना, लेकिन लेकिन प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी, लेकिन इन्हें तो समर्थन में है, वो तो कह रही है कि अगर आप कानून लेके आते हैं तो वो सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। 15A की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आप समझिए बात को। वोट बैंक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वोट बैंक बचना चाहिए, आप समझ रहे हैं बात को। अरे भाई जब कानून बनेगा, क्या कोई भी कानून वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की किसी धारा का करता है? जब कानून का खाका तैयार होगा वो चर्चा में आएगा, आप उस चर्चा में अगर आपको लगेगा तो आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज अपनी वोट की चिंता मत कीजिए। आज आप चिंता कीजिए इस अपराध पे अंकुश लगाने की, और आप मुक्त कंठ से साफ कहिए कि हम साथ हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी राजनीति आड़े आती है, आपकी वोट की राजनीति आड़े आती है, आपको अपना वोट बचाना है, केवल इसलिए ये बात करते हो। आप इसीलिए की वायलेशन की बात क्यों करते हो? ठीक है साकेत जी, मैं काउंटर करूंगा। हाँ, संदीप जी बोलिए। आप ये देखिए साकेत जी, बड़ा ही मेरे को हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर। अगर हम संविधान के दायरे में उनको पसंद नहीं, आप साकेत प्रवीण जी सुनिए, हम संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, वो इनको पसंद नहीं, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक कार्य ये करेंगे, हम उसके लिए समर्थन करेंगे, ऐसी हमसे उम्मीद करते हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? क्या इस देश को आप तानाशाही तरीके से चलाओगे या इस देश को आप काला कानून बनाकर चलाओगे? आप ये देश संविधान से चलता है प्रवीण अत्रे जी, जिस संविधान की हम शपथ लेकर संसद में शपथ लेते हैं कि हम देश की संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि हम आर्टिकल 15 की वायलेशन कर कर आप? मैं जवाब देना चाहूंगा साकेत जी का, मैं जवाब देना चाहूंगा। जहां तक इनेलो ने समर्थन देने की बात कही है, इंडियन नेशनल लोकदल आज भी आप गलत तथ्य पेश करके टीवी डिबेट को गुमराह करने तरफों गुमराह करने की कोशिश न कीजिए। हमारा स्पष्ट स्टैंड है, अगर कोई बहरूपिया बनकर अपना धर्म और जाति धर्म और नाम बदलकर हमारे देश की बेटियों को अपने जाल में फंसा कर उनका जीवन को नरक बनाने की दृष्टि से उसका धर्म परिवर्तन चलाने की सोच ऐसे लोग रखेंगे, ऐसे प्यार को जो लव जिहाद को रोकने के लिए कानून जो भारतीय जनता पार्टी अगर लाती है, तो इंडियन नेशनल लोकदल उस कानून का समर्थन करेगी। ठीक है, आज भी कह रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 15 की वायलेशन करके आप लाओगे? ठीक है संदीप जी, संदीप जी कहना चाहूंगा साकेत, मैं क्लियर करूंगा आर्टिकल 15 को। कानून से चलता है। ठीक है संदीप जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा, प्रवीण अत्रे जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद रमेश बामल जी आपके पास आते हैं। देखिए साकेत, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, संदीप पता क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? संदीप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे भले ही आदमी उन्माद फैला ले, धर्म के नाम पे भले ही आदमी दंगा कर ले, धर्म के नाम पे भले ही आदमी किसी की हत्या कर दे, लेकिन उसका जो 15A में राइट है ना, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, भले ही वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं उनके ऊपर आरोप लगे, कोर्ट ने उनको बेल तक नहीं दी, कल को वो 15 की आड़ लेके कहेंगे साहब मेरा राइट है 15A के अंदर, आप मेरे राइट को क्या? अरे अपराधी अपराधी है, उसका कोई राइट नहीं है, जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए कानून होता है। काय का राइट है उसका? क्यों आप 15A की आड़ में लेके अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं? किस बात का? अपराधी का कोई राइट नहीं होता, जो समाज का अपराधी है कानून का अपराधी है, उसका कोई राइट नहीं है 15A के अंदर। ये तो कोई भी 15A का राइट आर लेगा वो कहेगा साहब मेरा राइट है, मैं तो 15A के अंदर मुझे तो अधिकार मिला हुआ है, भले ही वो जातीय दंगा भड़काए, भले ही वो धर्म के नाम पे उन्माद करे, भले ही वो धर्म के नाम पे हत्या करे, इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। 15A वायलेट नहीं होना चाहिए भाई, 15A अपराधी के लिए नहीं है। जिसने अपराध किया है और कानून जिसको अपराधी मानता है उसके लिए किसी तरह का बचाव का रास्ता नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट है। आप तो संदीप जी बीच में बोलते बहुत है, टोकते बहुत है, अगर आपको इतना ज्ञान है तो सुन लिया करो, थोड़ा मुझे भी दे दिया करो भाई। संदीप जी अगर आप ज्यादा ज्ञानी है तो मुझे भी दिया करो, लेकिन बीच में मत बोला करो। संदीप जी बीच में डिस्टर्ब करने की बजाय ना अपना ज्ञान बाद में दे दिया करो, लेकिन अभी मुझे जानकारी होगी, वकील आप भले ही है लेकिन छुट्टी है कि आपको जानकारी नहीं है, आपको ठीक है डिस्टर्ब करते हो कभी करते हो। ठीक है, एक बार रमेश बामल जी का उत्तर, रमेश बामल जी के पास चलते हैं। ठीक है, और संदीप गोयल साहब, एक संदीप गोयल जी, संदीप जी प्रवीण जी, ठीक है संदीप जी प्रवीण जी एक सेकंड रुकिए प्लीज, संदीप जी प्लीज, रमेश बामल जी के पास चलते हैं। बामल साहब,
एक तो आपका रिएक्शन हम चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है रमेश बामल जी कि आप अल्पसंख्यकों के जो तुष्टीकरण की एक राजनीति करते हैं उसकी वजह से आप लव जिहाद कानून के समर्थन में कभी आ ही नहीं सकते। ज्ञान के भरपूर है, आपको तो ऐसे पटल पे लेके आना चाहिए कि सारे कानून ही आप बना दें। आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारे पहले इंडियन पिनल कोड में इतने बढ़िया लॉ है कि नए लॉ की जरूरत नहीं है। पहली बात आपको मैं जवाब देता हूँ, क्या कोई किसी से धोखे से अपने रिलेशन मेंटेन करता कि मैं तेरे से शादी करूंगा, क्या उसके खिलाफ फ्रॉड का पर्चा दर्ज नहीं होता? क्या कोई नाबालिग लड़की को भगा के लेके जाता है उसके खिलाफ किडनैपिंग का पर्चा दर्ज नहीं होता? क्या कोई नाबालिग लड़की से मैरिज कर लेता है तो क्या उसके खिलाफ रेप का पर्चा दर्ज नहीं होता? क्या किसी लड़की को इस तरह अगवा करना क्या कानून में प्रावधान नहीं है? उसको अरेस्ट करने का 20 दिन तक आपकी सरकार क्या करती रही? हर रोज महिलाओं पे अत्याचार है, किडनैपिंग है, हत्याएं हो रही हैं। और कांग्रेस पार्टी बल्लभगढ़ में भी गई है, क्या कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करती है कि आपने अच्छा किया? हम आज भी कंडेम करते हैं, हर बार कंडेम करते हैं, और हम महिलाओं की सपोर्ट में है जो इतने अत्याचार हो रहे हैं। और जो आप ये कानून लेके आ रहे हैं, मैंने फिर कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कानून लेके आती है जिससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है, लैंड कानून में हेल्प करती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्थन करती है। लेकिन फिर मैं आपको कंडेम करता हूँ कि पर्सनल अटैक नहीं करने, जिस तरह आपने मेरे लर्नेड फ्रेंड हैं जिसके ऊपर आपने इस तरह के कमेंट्स दिए हैं कि एक वो एडवोकेट है उनको नॉलेज नहीं है, तो आप उसका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें लाश दिखा रहे हैं। अरे मैंने तो ये कहा कि एडवोकेट है मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि नॉलेज नहीं रखते, मैंने कहा मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप बात सुनिए, पहले बात को पूरा सुन लिया करो, कमेंट करने से पहले सुना करो पूरा उसको। अरे बात सुनिए प्रवीण जी, मैं पहले पूरा सुना करो ना, अपने शब्द बीच में मत घुसाओ, मैंने जो बोला वो बोलो। आप बोलिए मत, आप बोल रहे थे, मैं एक बार नहीं बोला, मैंने संदीप जी को भी सुना, आपको भी सुना, चुपचाप बैठे। आप झूठ ना बोलो भाई, मैंने तो ये कहा था उनको मुझसे ज्यादा जानकारी है कानून की। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जब सारी सरकार ही ऐसी है, अपराधों को बढ़ावा देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। 47% अपराध इंक्रीज हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, मुलजिम बेलगाम है, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, फ्रॉड के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और आज आप एक ये बात कह रहे हैं कि भी हम एक कानून लेके आ रहे हैं। अरे कोई किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के शादी करता है क्या वो पहले अपराध नहीं, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? आप पहले भी हो सकती थी, आप किसी को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करा के पर्चा दर्ज कर सकते हो, कर सकते जी। तो आप हर लॉ के अंदर हर प्रावधान है, और हम स्वागत करते हैं यदि आप कोई ऐसा नया कानून लेके आते हैं जिसको और ज्यादा क्लियरिटी हो, और मुलजिम है जो यदि कोई अपराधी है तो वो किसी भी धर्म का है, उसको सलाखों के पीछे भेजने में, उसको सजा दिलाने में जो कानून मदद करे, ऐसा कानून यदि भारतीय जनता पार्टी लेके आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसकी सपोर्ट में खड़ी है। आपके माननीय हमारे भी मुख्यमंत्री खट्टर साहब ऐसी बातें बोलते हैं, पीछे स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो सिर्फ पंजाबियों का सीएम हूँ, मेरा और किसी जात के लेना देना नहीं। नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी रमेश बामल जी रमेश बामल जी हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि क्या जो कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा है, प्रवीण नेत्रे जी भी ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, इस वजह से कांग्रेस कभी भी इस तरह के कानून के पक्ष में आ ही नहीं सकती, गलत कह रहे हैं सुमन जी। कानून मुलजिम कोई भी है, और देश की कानून व्यवस्था के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कानून लेके आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक हो कोई भी हो, मुलजिम तो मुलजिम है, किसी भी धर्म से हो या किसी जात से हो, कानून अपना काम। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, अब सवाल ये है, ठीक है बामन साहब ने जिन जिन बातों का जिक्र किया वो लॉजिकल है, उसमें कुछ भी इलॉजिकल चीजें नजर नहीं आती। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर लव जिहाद को लेकर अलग से कानून बना दिया आपने तो क्या अपराधी अपने आप चलकर थाने पहुंच जाएगा? देखिए साकेत, पहली चीज तो ये है कि मैं स्पष्ट कर दूं, बामल जी हालांकि कांग्रेसी हैं तो थोड़ा व्यक्तित्व में झलक मारती है। मैंने ये कहा था कि संदीप जी वकील हैं, मुझसे ज्यादा कानून की जानकारी रखते हैं, पहली बात।
क्योंकि कांग्रेसी मित्र की समस्या ये है कि उनको जो सुनता है वो शायद थोड़ा अलग होता है। दूसरी बात, बामल जी ने जो तर्क दिए हैं, बामल जी के तर्क ये है कि साहब किडनैपिंग के ऊपर कानून है, बामल जी ने कहा कि रेप के ऊपर कानून है, बामल जी ने उस बच्ची के पिता का बयान नहीं सुना निकिता का, जिन्होंने ये कहा कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। अब बामल जी वकील हैं तो बामल जी बता देंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी कानून के हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात, आप रेप के लिए 376 संदीप जी 376 नहीं होती है, गलत तो नहीं हूं मैं, आप रेप के लिए 376 लगाएंगे, आप मर्डर के लिए 302 लगाएंगे, आप जो और धारा वो लगाएंगे। अगर एक अच्छा सख्त कानून हो जिसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिंगल डायरेक्शन में जा सके वो बेहतर है, और दाएं बाएं के जितने प्रावधान है उनको सम्मिलित किया जाए वो बेहतर है, या बामल जी की तरह कंफ्यूजन में चीजों को फंसा दो वो बेहतर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बामल जी से सवाल पूछा कि आप पुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हो। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान याद दिलाना चाहूंगा जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक इन लोगों का है। वो बयान क्या था, क्यों उनका पहला हक है, बहुसंख्यक समाज क्या देश के नागरिक नहीं है, इनका हक पहला क्यों नहीं है, या तो कहते सबका बराबर का हक है भाई, इनका पहला हक क्यों, इसको हम तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तो इस बात का जवाब चाहता हूं, ये बयान किस लिए दिया गया था। दूसरी बात, इन्होंने अपराध बढ़ने की बात की, हालांकि मैंने शुरुआत के अंदर पूरा डाटा दे दिया था, लेकिन बामल जी दोबारा सुनना चाहते हैं उसको, दोबारा सुना देता हूं। बामल जी, हुड्डा साहब की सरकार का पीरियड निकालिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े निकालिए, हरियाणा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े निकालिए, ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी हुड्डा साहब के टाइम में, चेक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, मुझे ये बताइए वो 555% की वृद्धि ज्यादा अच्छी बात है या वो डरने की बात है, विचार करने की बात है, या हमारे टाइम के अंदर ओवरऑल क्राइम में 37% की वृद्धि, जो विधानसभा के पटल पे भी जिसके ऊपर चर्चा हुई, वो ज्यादा सोचने की बात है, मुझे ये बता दीजिए आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 174% की वृद्धि हो जाती है महिलाओं के प्रति अपराध में, वो चिंता का विषय था, या हमारे टाइम में 27% की वृद्धि मात्र होती है, ये चिंता का विषय। जिन सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं उसका भी आप जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि लव जिहाद पर अलग से कानून बन जाएगा तो क्या अपराधी अपने आप थाने पहुंच जाएगा, या उसे थाने तक लाने में आपके प्रशासन का योग होगा, कुछ सहयोग वो भी करेंगे, कुछ काम वो भी करेंगे। 23 दिन हो चुके हैं इस बच्ची को गायब हुए, मान लेते हैं कि लव जिहाद का कानून अभी भी लागू है तो क्या हो जाता, स्थिति तो यही रहती ना। देखिए साकेत, लव जिहाद का कानून अगर अभी भी होता तो पहले मान के चलिए जो बल्लभगढ़ के अपराधी 4 घंटे में एक पकड़ लिया, 23 घंटे में दूसरा पकड़ लिया, आप उसकी तरफ भी ध्यान देते। दूसरा, इस विषय में जो आप रिवाड़ी की बात कर रहे हो, बाकायदा पुलिस विभाग से बात करने के बाद, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आ सकती जब तक कि अपराधी पकड़ने लिए जाते, क्योंकि पब्लिक डोमेन में उनको लाना कहीं ना कहीं से अपराधियों को फायदा देने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा था 24 घंटे नहीं लगेंगे, अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे, पुलिस पता नजदीक उनके पहुंच चुकी है, और किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराधी अगर बहुत स्मार्ट होता है तो आपको 2 दिन फालतू भी लग सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे और अपने जो सही जगह वहां पे होंगे। रविन अत्रे जी, कल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जनता टीवी पर फिर से डिबेट है, और कल तो फिर मैं आपके साथ होगा। अगर अगर आप नहीं भी होंगे, आपको तो जानकारी होगी कि जनता टीवी पर कौन सा प्रवक्ता जा रहे हैं, आप उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि प्रवीण अत्रे जी ने ये बताया कि नहीं बताया कि 24 घंटे के अंदर दावा किया था प्रवीण अत्रे जी ने कि पुलिस पकड़ लेगी उनको। मैं इस बात, मैं आपके इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जो मेरा विषय है मैं उस विषय में दोबारा आना चाहूंगा। देखिए, जब हम तुष्टीकरण की बात करते हैं साकेत, और मुझे लगता है आप भी इस बात में कहीं ना कहीं मेरा समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जिस तरह की पत्रकारिता आप करते हैं, हाथरस के अंदर विषय होता है, हालांकि बाद में बातें कुछ और निकल के आती हैं। आपको याद होगा कितना हो हल्ला मचता है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पे जाते हैं क्यों, लेकिन जब वही ऐसा ही सेम मसला बलरामपुर में होता है तो पूरी कांग्रेस को चुप्पी क्यों साध लेती है, साफ क्यों सो जाता है, मेरा केवल इतना सवाल है। ठीक है, जरा पूछ लेते हैं, बलरामपुर की घटना के पीछे मुस्लिम युवक था, साहिल खान था बलरामपुर की घटना के पीछे, रमेश बामल जी बोलिए, इसलिए साफ सो गया था। रमेश बामल जी, प्रवीण अत्रे जी कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह जी ने इस तरह का जो बयान दिया है ये बिल्कुल मिथ्या है इनकी स्टेटमेंट। अरे भाई, आप इस बात को भी अगर झुठलाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, साकेत जी अगर आपकी लाइब्रेरी में हो तो निकाल के सुनवा दो इनको भाई, एक बार सुनवा दो इनको एक बार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी झूठ। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी हमारे प्रधानमंत्री थे भाई, मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के बयान का जिक्र कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री तो वो भी थे, मैं भी उनका जिक्र कर रहा हूँ, इनसे पूछिएगा क्यों दिया ये बयान। हमारे
गृह मंत्री जी किसानों पे लाठीचार्ज करके कहते हैं कि जी हमने तो सेल्फ डिफेंस में चलाया, एक निहत्थे किसानों के ऊपर आप लाठीचार्ज करते हो, अत्याचार करते हो, फिर कहते हो सेल्फ डिफेंस। एक मोहम्मदन है या वो किसी और जात से संबंध रखता है या धर्म से रखता है, क्या एक लड़की को भगा के लेके जाता फोर्स? रमेश बामल जी तो आपको बता दूं अबडक्शन का प्रचार, रमेश बामल जी, हाँ। राहुल गांधी क्यों नहीं आए बल्लभगढ़, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आए बल्लभगढ़? कौन नहीं आए जी? और कांग्रेसी नेता नहीं आए? अरे हाथरस में तो बवाल कर दिया था, बेचारे राहुल गांधी गिर भी गए थे हाथरस पहुंचते। आपको जवाब देता हूँ, अभी कांग्रेस के ऊपर पथराव हुआ है जहाँ पे वो गए हैं। मैं ये पूछ रहा रमेश बामल जी, शैलजा जी के हैं। रमेश बामल जी, हाथरस, बलरामपुर, बल्लभगढ़, क्या अंतर है इन तीन जगहों में? किसके बारे में सुमन जी दोबारा? हाथरस, बलरामपुर और बल्लभगढ़। हाँ जी, हाथरस पहुंच जाते हैं जबकि वहां पर धारा 144 लागू रहता है, यहाँ तो बल्लभगढ़ में हरियाणा की सरकार ने कोई सा भी लागू नहीं किया था, धारा 144 भी नहीं थी वहां, क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां? क्योंकि राजनीति करने का ज्यादा मौका हाथरस में मिलता। राजनीति का बात नहीं है, आप देखिए सुमन जी जैसे हाथरस में गए वहां कैसे उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, मतलब है डर गए, मतलब डर गए राहुल गांधी। सुमन जी आप मेरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डर गए कि ऐसा ही ना हो जाए, यहाँ भी गिर ना जाए, कहीं चोट लग जाएगी। और नहीं जी गिरना ये तो आपके प्रजम्पशन है सुमन जी, आप जो मर्जी कह सकते हो। मैं तो उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिस वीडियो में राहुल गांधी के साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की कुछ जैसी हुई थी और वो गिर गए थे, जो वीडियो सबके सामने आपने भी देखा होगा। उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई थी, उनको रोका गया था। उसके बाद बल्लभगढ़ हरियाणा में तो ऐसा कोई सीन नहीं था, बल्लभगढ़ में तो हरियाणा की सरकार ने कहा ही नहीं कि कोई मत आओ, हरियाणा की सरकार ने धारा 144 भी नहीं लगाई थी बल्लभगढ़ में कि किसी को आने की इजाजत नहीं है। हाथरस में तो मीडिया को जाने की भी इजाजत नहीं दी गई थी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्लभगढ़ में और कांग्रेस नहीं, बल्लभगढ़ में और कांग्रेस। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी, मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता नहीं बचे कि वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाना पड़ रहा है? थोड़ी सी दया दृष्टि यहां भी दिखा देते, थोड़ी सी दया दृष्टि बल्लभगढ़ में उस पीड़ित परिवार पर भी दिखा देते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ऐसा क्या हो गया कि हाथरस में जाना बहुत जरूरी समझा, उसके बाद राजस्थान में इसी तरीके का कांड हुआ वहां जाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वहां कांग्रेस की ही सरकार थी, बल्लभगढ़ में भी आना जरूरी नहीं समझा? मतलब जहां राजनीति का बेटर स्कोप मिलेगा, जहां पर राजनीति का बेहतर स्कोप है वहां पर जाना जरूरी है, जहां पर राजनीति का अच्छा स्कोप है, जहां पर राजनीति चमकाई जा सकती है, जहां पर अपने आप को पूरा एकदम फ्रेम दिया जा सकता है, वहां जाना बहुत जरूरी है। हरियाणा की राजनीति की जरूरत नहीं है और यूपी में कांग्रेस को राजनीति की जरूरत थी? यही तो सवाल है मेरा, यही तो सवाल है मेरा कि हाथरस में क्या सिर्फ राजनीति करने, राजनीति का स्कोप अच्छा दिख रहा था इसलिए वहां जाने की जरूरत थी, जबकि वहां पता था कि सरकार ने वहां पर धारा 144 लगा रखा है, इसके बावजूद निकल पड़े पैदल, आ जाते बल्लभगढ़, यहाँ क्यों नहीं आए? ये तो और नजदीक है दिल्ली से, और नजदीक है बल्लभगढ़, दिल्ली से और नजदीक है बल्लभगढ़। अरे सुमन जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, क्या मतलब मुद्दा ये है कि राहुल जी, मुद्दा ये है कि कांग्रेस राजनीति करने से बाज कब आएगी? सवाल ये है कि कांग्रेस क्या हर समय राजनीति ही करती रहेगी? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक राजनेता के तौर पर यही ढूंढते रहेंगे कि कहां और किस मसले पर राजनीति सबसे ज्यादा की जा सकती है? क्या यहाँ पीड़ित का परिवार नहीं है? बल्लभगढ़ में क्या लड़की की डेथ नहीं हुई? बल्लभगढ़ में क्या निकिता की डेथ नहीं हुई? क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी आकर के उनके परिवार के आंसू नहीं पोंछ सकती थी जैसा कि हाथरस में किया? आपका कहने का मतलब ये है कि प्रियंका जी राहुल जी को हर जगह पे सिर्फ इन्हीं को जाना चाहिए, कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है, पहली बात। दूसरा मेरा तो यही सवाल है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोई और ये जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकता था, इसी वजह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल पड़े हाथरस के लिए, ये जानने के बावजूद कि सरकार ने वहां पर रोक लगा रखी है, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए निकल पड़े। आप एज ए होस्ट काम करिए, भारतीय जनता पार्टी। सुनिए मुझे मत सिखाइए ना कि मुझे किस तरीके से काम करना है, मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल कर लिया और आपको ये सवाल इतने तीखे लग रहे हैं, आपको ये सवाल इतने चुभ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैं कांग्रेस के अगेंस्ट होकर के बात कर रहा हूँ। अरे सुमन
है ना, मेरे डिबेट में रमेश बामल जी बीजेपी के प्रवक्ता भी मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बताते हैं, तो आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम सवाल करना है और मेरे सवाल तीखे हैं, मेरे सवाल चुभेंगे आपको, मेरे सवाल चुभ रहे हैं आपको, तभी आप जवाब देने के बजाय इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुद्दे को भटका रहे हैं, क्या मुद्दा ये था आज? मुद्दा ये था आप जब आपके आला नेताओं पे बात चली गई तो आप मुद्दे पे आ गए। अभी तक सब कुछ आपको ठीक लग रहा था, अभी तक सब कुछ आपको ठीक लग रहा था, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात होगी, इतनी तीखी लग गई ये बात आपको कि आप मुद्दे ढूंढने लग गए। आप नहीं जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, आप मुद्दे को भटका रहे हैं सुमन जी। जो मुद्दा था आपका सिर्फ जो ये अब कांड हुआ, जो इस लड़की, चलिए ये कह दीजिए ना रमेश बामल जी कि आप जवाब देने में असमर्थ हैं, आपको नहीं पता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ आने का फैसला क्यों नहीं लिया, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये उनका डिसीजन है, उनको ठीक लगा हाथरस में जाकर राजनीति चमकाना, वो चले गए, उनको लगाने के बल्लभगढ़ में आके राजनीति चमकाई जा सकती है तो उन्होंने नहीं आना बेहतर समझा, वो राजस्थान नहीं गए क्योंकि वहां उन्हीं की सरकार थी, वहां जाके गहलोत को क्या कहते, तो इस वजह से वो कहीं गए नहीं। खैर कोई बात, इट्स ओके रमेश बामल जी, होता है, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, ना आप बल्लभगढ़ के परिवार के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे वहां क्यों नहीं आए, ना आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे क्योंकि आप के नीचे लिखा हुआ है प्रवक्ता कांग्रेस। खैर संदीप गोयल जी, सवाल अब यह है कि इस कानून के बन जाने से क्या हम गारंटी ले सकते हैं, अगर सरकार लेकर के आती है कोई भी ऐसा कानून, कि हम गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि अपराध कम हो जाएगा, अगर अपराध कम, क्या 12 साल का जिक्र कर रहे थे प्रवीण अत्रे जी कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ ऐसा होगा तो फांसी की सजा हो जाएगी, रुक गया क्या? नाबालिग बच्चियों के साथ, 12 साल के कम उम्र की बच्चियों के साथ अभी भी अपराध हो रहे, अभी भी रेप की घटनाएं घट रही। सही बात है साकेत जी, आपका सवाल वास्तव में काबिले तारीफ है, केवल कानून बनाने से सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इतनी पावरफुल न बना दी जाए, और दूसरा समाज को इस प्रकार का एक कानून का भय जब तक नहीं रहेगा तब तक इस प्रकार के अपराध होते रहे। रही बात जो कानून के दायरे में रहकर अगर एक कानून बनाया जाता है तो वो एक वास्तव में वो एक स्वागत के योग्य है, अदरवाइज आप ये देखिए गौ सेवा के नाम से गौ संवर्धन एक्ट लेकर आए, गौ कृषि को खत्म करने के लिए बहुत सारा कानून बनाकर लाए, लेकिन आज तक हमारी गौओं की हालत देखिए, एक नियत, साफ नियत होनी बहुत जरूरी है कि आप वास्तव में इस चीज की रोकथाम करना चाहते हैं, इस प्रकार के अपराधों के ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए लगाम लगाना चाहते हैं, अगर ये इच्छा शक्ति होगी तो उम्मीद है उस अनुपात में जो अनुपात आज लव जिहाद के नाम पर हमारी जो मासूम बेटियां हैं उनकी साथ गलत मतलब करतूतें होती हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, तो उस प्रकार के अपराधों में मुझे उम्मीद है अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे कानून लाएगी तो शायद संभावना है कि उसमें गिरावट आए। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी से भी इसी चीज का जवाब, गिरावट आए तो उसका हम स्वागत करेंगे, यही सवाल है, तो अगर गैर संवैधानिक तरीके से बावजूद घटनाएं तो लगातार घट रही हैं, हम कैसे गारंटी ले लें, आप कैसे गारंटी ले लीजिएगा कि लव जिहाद पर अगर आप कानून लेकर के आ गए तो फिर कुछ नहीं होगा? देखिए साकेत, ऐसा है अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि उसके बाद घटनाएं 0% हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो डाटा है जिसमें महिलाओं के प्रति अपराधियों में 93% को पकड़ा है, अगर उस डाटा को ध्यान पे देखें और साथ में अगर ऐसा कोई कानून हो तो ये बात जरूर सुनिश्चित हो जाएगी कि ऐसे अपराधियों को सजा थोड़ा जल्दी मिलेगी, तुरंत मिलेगी, क्योंकि चार अलग अलग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय अगर एक ही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होगी तो समय थोड़ा कम लगेगा और अपराधी अपने अंजाम तक थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, स्पीडली जो है डिसीजन हमारे सामने आएगा। तो अगर हम ये कह दें यहाँ बैठ के साहब वो तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अपराध कम जरूर हो जाएगा ये हम मान के चले। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब इस तरह का अपराध आपके सामने या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या ये कहिए कि सरकार की नॉलेज में पीड़ित पक्ष के द्वारा खुल के कंप्लेंट करने से पहली बार सामने आया, अब तक केवल हम सुना, हमारी जानकारी में गाये बगाये दाएं बाएं से आया, लेकिन पीड़ित पक्ष खुद कंप्लेंट करके सामने आया कि साहब मेरे बच्चे को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड पहली बार आया, और उसी वक्त सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए जिससे कि इस तरह का मामला बहुत ज्यादा ना बढ़े, और हमें उम्मीद करना चाहिए कि हम इस मामले में कामयाब होंगे। ठोक के आप एक आंकड़े को रख रहे हैं कि 97% अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया, इसके साथ साथ आप कन्विक्शन रेट की भी बात कर रहे हैं, आई गेस 23 या 27 की आप बात कर रहे थे कि 23%, तो ऐसे में
74% जो अपराधी पुलिस की तरफ से पकड़े गए वो बरी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि तथ्य नहीं जुटा पाती पुलिस आपकी जो अदालत में रख सके और अदालत उसे दोषी करार दे। नहीं नहीं साकेत, इसमें भी आप फिर एक डाटा की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। एनसीआरबी का डाटा ये भी कहता है कि महिलाओं के प्रति अपराध में जितने मामले रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से 20% मामले जो हैं वो बाद में झूठे पाए जाते हैं या उनकी एफआईआर रद्द होती है, मतलब वो मामले सही नहीं होते हैं। ये भी एनसीआरबी का डाटा बता रहा है, ये मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमें उस डाटा की तरफ भी देखना पड़ेगा। यहां पे महत्वपूर्ण ये है कि अगर 23 कन्विक्शन रेट है जो 13 से 23 के ऊपर आया है तो कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर शार्पनेस आई है, कहीं ना कहीं उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया है। लेकिन इसको हम बहुत अच्छा मान लें ऐसा भी मैं नहीं कहता, इसमें भी बहुत बेहतर की गुंजाइश है, ये और बेहतर होगा ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। रमेश बावल जी, सुमन जी, ऐसा जो ये फैसले होते हैं जो मुलजिम बच जाते हैं उसमें कई तरह के कारण होते हैं अदालत में। एक तो जो गवाह है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, एक जो शिकायत करता है कई बार वो समझौते कर लेते हैं जो समाज में बैठ के, तीसरा कि इस तरह के यदि अबडक्शन के केसेस आते हैं या मैरिज के आते हैं या रेप के पर्चे दर्ज होते हैं, किडनैपिंग के होते हैं, तो बाद में उनकी शादियां हो जाती हैं। कई जगह जो शिकायत करता है जो गवाह होते हैं मौके के वो अदालत में पहुंचते नहीं है, और कई जगह जो आईओ होता है जो मैं कोर्ट में रोज देखता हूं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अदालत में टाइम पे नहीं पहुंचते, या हमारे जो कानून में जो एडवोकेट हैं उनकी भी कानून को पूरी सपोर्ट नहीं होती। मुलजिम को बचाने के लिए वकील भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मुलजिम की हाजिरी माफी की दरखास्त लगा देते हैं, गवाह वापिस चला जाता है, 200-200 किलोमीटर से गवाह बार बार नहीं आते। तो इस तरह कई तरह के जो कानून है वो भी सख्ती से नहीं लेता। हमारे वकील भाई हैं जो वो भी कानून को सपोर्ट नहीं करते कि भी मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजा जाए। ठीक है, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और हम चाहेंगे कि राजनीति भी गंभीरता से आगे बढ़े और इस पर एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ तमाम राजनीतिक दल आए, सरकार भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और आप तीनों को ऑल द बेस्ट कल के लिए कि किस तरीके से आपके प्रत्याशी को वहां के मतदाता चुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रदेश में एक और लव जिहाद का मामला सामने आ चुका है जिस पर सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा है और विपक्ष अपनी बात, और एक तरफ पीड़ित परिवार है जो अभी भी इस उम्मीद में है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।